तो जैसे आप देख रहे हैं आज हमारे हिज एक्सलेंसी अजय विसरिया जी को एक फेयरवेल दी गई है कैनरा इंडिया फाउंडेशन की तरफ से। बहुत ही प्रभावशाली ये सारा इवेंट रहा आज का, तो बड़ा शॉर्ट्स पहन था सर, लेकिन इतनी मेमोरीज लेके जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं भाई? अब अलविदा कहने का समय आ गया है, मगर 2 साल में बहुत काम हुआ और कनाडा इंडिया फाउंडेशन के साथ भी काम हुआ। ये हालांकि पैंडेमिक था, फिर भी हम वर्चुअली बहुत कुछ कर पाए, और वर्चुअली में एक एडवांटेज रहती है कि हम और ज़्यादा लोगों को एक्सेस कर पाए और ज़्यादा कॉन्वर्सेशंस कर पाए। तो कनाडा इंडिया फाउंडेशन के साथ मिल के हाई कमीशन ने और टोरंटो में कॉन्सुलेट ने बहुत काम किया है, और उसका फल हम अब देख रहे हैं काफ़ी सेक्टर्स में, इकोनॉमिक सेक्टर में, पॉलिटिकल सेक्टर में, और स्टूडेंट्स के चलते काफ़ी फ़ायदा हुआ। आपने अपनी स्पीच में स्टूडेंट्स के ऊपर काफ़ी एम्फेसाइज किया है, तो हमने देखा है पिछले 4-5 साल से ख़ास तौर के ऊपर लाखों स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं, और ये फ्यूचर है हमारा आगे की आने वाली जनरेशन में, दे आर गोइंग टू प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं फ्यूचर को, इन स्टूडेंट्स को लेके पर्टिकुलरली जो इंडिया कैनेडा में आ रहे हैं? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट तबका है, ये इंडियन सिटीजन्स हैं जब ये आ रहे हैं, लगभग 3 लाख के करीब स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और हमारा फ़र्ज़ बनता है और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि इनकी मदद करें सो दैट दे बिकम रिस्पॉन्सिबल कनेडियन सिटीजन्स एंड दे गो बैक टू इंडिया इन सम केसेस विद एन एजुकेशन। तो दोनों दोनों चीज़ें रहती हैं, वो कनाडा के लिए भी एक यंग ह्यूमन रिसोर्स हैं, और इंडिया जो वापस जाते हैं वो इंडिया के लिए भी काम करेंगे। और आजकल सब स्टूडेंट्स ग्लोबल हैं, तो कुछ जाएंगे, कुछ आएंगे, कुछ यहाँ काम करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, कनाडा और इंडिया का जो रिलेशनशिप है इसमें बहुत और पोटेंशियल है, पर्सन टू पर्सन जो हमारा रिलेशनशिप है वो तो ठीक है, लेकिन ट्रेड में अभी भी हम लैक कर रहे हैं। काफ़ी सारे फ्री ट्रेड की भी बात हुई, काफ़ी सारी संभावना है, आपने भी उसमें शॉर्ट लिस्ट किया कि कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ की संभावना है। तो अब आप जा रहे हैं डेफिनेटली, तो कुछ ना कुछ फीडबैक बैक होम जाके इंडिया गवर्नमेंट को भी देंगे, क्या आपको लगता है आने वाले टाइम में किन वो फैक्टर वो सेक्टर्स हैं यहाँ पे काफ़ी संभावना है जिसमें कनाडा इंडिया फाउंडेशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है? देखिए, ट्रेड में तो है बहुत संभावना, और इसमें हम ट्रेड अग्रीमेंट की बातचीत चल रही है, निगोसिएशन चल रहे हैं, और आशा है कि इस साल के अंत तक एक इंटरिम ट्रेड अग्रीमेंट तैयार हो जाएगा। उससे ट्रेड पे मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट्स रहेंगे, एग्रीकल्चरल गुड्स, टेक्सटाइल्स, हर तरह के गुड्स, मगर उसके अलावा टेक्नोलॉजी में भी बहुत स्कोप है। CIF ने बहुत काम किया है हेल्थ टेक्नोलॉजी में और हेल्थ इश्यूज़ में। अभी हमारी बात हो रही थी वर्चुअल हेल्थ डिलीवरी, टेली हेल्थ, डिजिटल हेल्थ, इसमें बहुत काम हो सकता है, और एग्री टेक, मेडिकल टेक, इन सब एरियाज़ में बहुत काम हो सकता है, और स्टार्टअप कॉरिडोर्स बनाने से दोनों देशों का बहुत फ़ायदा होगा। बड़े अच्छे फ्रेंड को मिस करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, अजय जी के साथ चाहे हमारा एक रिश्ता 28 महीने मोर लेस बोलेंगे कि बड़ी पेंडेमिक में, वो भी पेंडेमिक में, बट ऐसे लगता है कि ये जन्म जन्म का रिश्ता है, एंड अजय जी की गाइडेंस, इनकी मेंटरशिप, इनके साथ काम करने का बहुत ही CIF को बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि ये ही इज़ ए मैन ऑफ एक्शन, एंड कनाडा इंडिया फाउंडेशन जैसे हम लोग ऑलमोस्ट 15 साल से इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं कि कैसे हम कनाडा इंडिया को मोर उनकी एंगेजमेंट जो है मोर डीपन कर सकें, एंड पिछले 15 सालों से ऑलवेज हमने सक्सेसिव लीडरशिप के साथ काम किया है, बट अजय जी का टेन्योर जो है इट्स वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट मेमोरेबल वन। बहुत सारे चैलेंजेस लिए हैं, जो योगा को जो आपने प्रमोट किया कनाडा इंडिया फाउंडेशन में वो भी रिमार्केबल रहा है, तो बड़ी जल्दी योगा डे आ रहा है और एक और इवेंट करने जा रहे हैं, एक मौका है, आप उसके बारे में भी मैसेज दे दें। जी बिल्कुल, देखें योगा जो है वो यूनाइट करता है, सबको यूनाइट करता है, ऑफ कोर्स ये एक साइंस है माइंड बॉडी सोल की, बट इसके साथ साथ ये कल्चर्स को यूनाइट करता है, ये कम्युनिटीज़ को यूनाइट करता है, ये कंट्रीज़ को यूनाइट करता है। तो सिंस 2015 जब प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की रिक्वेस्ट पे यूनाइटेड नेशन में ये रेजोल्यूशन पास हुआ था, विच वॉज सपोर्टेड बाय द आई थिंक द मोस्ट कंट्री ओवर 177, एंड आई थिंक दिस इज़ द ओनली रेजोल्यूशन विच गॉट द हाइएस्ट सपोर्ट, एंड तब से हम लोग हर साल इंटरनेशनल योगा डे मनाते आ रहे हैं,
वी आर योगा एंथुजियास्ट, सो इस साल भी हम लोग ये योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑन June 21st एट ओंटेरियो प्लेस, सुबह 10 से लेके 12 बजे तक। हमने इंडिजिनस कम्युनिटी को साथ में एंगेज किया है, क्योंकि 21 जून जो है इंडिजिनस डे भी है, उनका कल्चर और उनका ट्रेडिशन, उनकी भी जो हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं वही सेम जो हमारी एंशियंट विजडम है, काफ़ी सिनर्जी है। तो यहाँ कनाडा में रहते हुए कि जो हमारी एंशियंट विजडम है उसको हम अपनी गुड हेल्थ वेल बीइंग के लिए थ्रू आउट कनाडा उसको प्रमोट कर सकें। आपको पता है हमने आयुर्वेदिक स्पीकर सीरीज़ भी रन की, तो इसका एक ही पर्पज़ है, सोल मोटिव है कि हम लोग एक खुशहाल कनाडा बना सकें। आपने इनको वर्चुअल हाई कमिश्नर का आज नाम दे दिया? नहीं, इन्होंने ये खुद ही टाइटल अपने आप को दिया था वर्चुअल हाई कमिश्नर का, बट यू नो वर्चुअली अगर इन्होंने इतना काम किया है, आई एम श्योर यू नो रिलेशनशिप इज एवरीथिंग, मीटिंग पर्सन टू पर्सन इज सो इम्पॉर्टेंट। लाइक इमेजिन लाइक इफ इट वॉज नॉट पेंडेमिक, लाइक वॉट अजय जी कुड हैव अचीव्ड इन हिज टेन्योर। बट जैसा सतीश जी ने भी बोला, आई थिंक सबसे डिफरेंट अजय जी के टेन्योर में ये था। नॉर्मली क्या होता है, डिप्लोमेट्स जब आते हैं उनके मन में जहन में अपनी कंट्री का इंटरेस्ट जो होता है वो प्राइमरी होता है, बट अजय जी के साथ, अपूर्वा जी के साथ जो हमने पिछले 2.5 साल में एक्सपीरियंस किया, वेन एवर वी हैड एनी काइंड ऑफ डिस्कशंस, हमेशा ये होता है कि हम इंडिया से कनाडा को क्या दे सकते हैं, कनाडा को कैसे और जैसे सतीश जी ने खुशहाल बना सकते हैं। आपने मेंशन भी किया वो वैक्सीन वाला सारा, 1.9 मिलियन डायस्पोरा है, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है ओवरऑल कैनेडियंस की लाइफ पे, क्या इंडिया कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, जैसे आयुर्वेदा योगा, तो आयुर्वेदा योगा को यहाँ लाने का और कंट्रीज में लाने का मोटिव सिर्फ ये है कि वहाँ लोकल जो पॉपुलेशन है या लोकल जो लोग रहते हैं उनको कैसे मदद पहुँच सकती है। आई मीन इट्स नॉट अ सोल्यूशन टू कीप स्पेंडिंग मनी ऑन हेल्थ केयर, आई मीन योगा एंड आयुर्वेदा आर ग्रेट टूल्स वेयर बाय वी कैन कीप पीपल हेल्दी विदाउट वरिंग अबाउट इंक्रीजिंग आर हेल्थ बजट्स। इंडिया इज़ वर्ल्ड लीडर जी, तो इनके साथ काम करके इसलिए ज़्यादा हमें मज़ा आया क्योंकि हम इंडिया से ज़्यादा कनाडा की बात कर रहे होते थे, कनाडा की चिंता कर रहे होते थे कि कनाडा में चीज़ें और कैसे बेहतर हो सकती हैं। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी विजन है, उन्हें हमेशा ये होता है, वो वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। सो इनके साथ हमने वो एक्सपीरियंस किया पिछले 2.5 साल में कि हम जब बात करते थे हम पूरी दुनिया की बात करते थे, हम इंडिया या कनाडा की बात नहीं करते थे। तो उस वो एक बहुत ही, जैसे सतीश ने कहा, एक बहुत स्पेशल एक रिलेशनशिप भी था, बॉन्ड भी था, और बहुत मेमोरीज बहुत अच्छी क्रिएट हुई हैं, एंड आई एम श्योर वी कैन जस्ट टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर फ्रॉम यू नो सक्सेसर्स। लास्ट क्वेश्चन, इस फ्रेंडशिप को कैसे कंटिन्यू रखना चाहेंगे? फ्रेंडशिप देखो कहते हैं कि गोल्फ कोर्स पे कंटिन्यू रहती है, तो वो हमने स्टार्ट किया है, हम कंटिन्यू रखेंगे। आपकी हेल्थ का राज क्या है? योगा। वंडरफुल, बिल्कुल योगा प्रैक्टिशनर। बिल्कुल, आई एम अ योगा प्रैक्टिशनर। योगा एंथुजियास्ट हैं राजेंद्र जी, रामदेव जी, जब से हम लोग योगा कर रहे हैं तो ये राजेंद्र जी हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत अच्छा। एंड ही इज वन ऑफ द एंड एनी मैसेज ऑन योगा जाते जाते योगा करते रहे। योगा इज इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड, योगा इज समथिंग फॉर नॉट जस्ट फॉर गुड हेल्थ बट आल्सो फॉर ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, तो योगा इज इंपॉर्टेंट एंड दे आर योग योग है और 1 in every 5 Canadians has done yoga, so I think we should propagate it even more because yoga is finally for health and for friendship and for well-being. Good luck sir for your future career and life, aur bahut acha aapka safar raha. Thank you very much. Bahut bahut namaskar.